गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेवल वन क्लास नाइन्थ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सेशन नंबर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर यूनिट नंबर वन कम्युनिकेशन स्किल्स में सेशन नंबर फोर राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच सेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके जो मुख्य जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, आपके आठ प्रकार के हमारे जो आठ मुख्य जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश में, इंग्लिश की भाषा में वो हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन से हैं। दीज आर नाउन प्रोनाउन, इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, नाउन संज्ञा प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण और प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये बताते हैं, क्या बताते हैं, द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। मतलब भाषण का हिस्सा, मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो यह इंगित करता है, यह बताता है कि एक विशेष शब्द कैसे अर्थ के साथ साथ वाक्य के भीतर ग्रामेटिकली व्याकरणिक रूप से कार्य करता है। अब इसमें आगे जो डायग्राम दिया हुआ है, आपका पार्ट ऑफ स्पीच के डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें सर्कल बने हुए हैं, जैसे नाउन का सर्कल है, नाउन के सर्कल में कुछ स्नैप्स बनी हुई हैं, फोटोज हैं, जैसे नेम हो गया, पिक्चर्स दी हुई हैं, नेम जो नाउन होते हैं वो कौन कौन से नाउन होते हैं आपके, संज्ञा जो होती है, नेम हो गया, एनिमल नाम हो गया, पशु हो गया, प्लेस स्थान को थिंग किसी चीज को डिनोट करता है, संज्ञा आपकी, प्रोनाउन जो सर्वनाम होता है जैसे आई हो गया, यू मैं, तुम, ही और शी वह, लड़का और लड़की के लिए जो प्रयोग होता है, एडजेक्टिव जो विशेषण के लिए जो वाक्य में जो विशेषता की चीज़ को विशेष रूप से बता रहे हैं वाक्य में उसमें एडजेक्टिव शब्दों का कुछ प्रयोग किया जाता है, जैसे सॉल्टी हो गया, नमकीन, शोर, खट्टा हो गया, स्वीट मीठा हो गया, स्पाइसी हो गया, आपका मसालेदार हो गया। वर्ब है, वर्ब भी प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में एक्शन को बताने के लिए, कोई एक्शन हो रहा है जो एक्शन को बताता है, संज्ञा के एक्शन, नाउन के एक्शन को जो बता रहा है वो वर्ब को डिनोट करता है, जैसे फॉल हो गया, गिरना, कीच, पड़ाना हो गया। एडवर्ब जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण जो दूसरे किसी नाउन या सर्वनाउन के बारे में या उसे क्रिया विशेषण के बारे में बताता है वो आपका क्रिया विशेषण होता है, जैसे ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना खाना है, खा रहा है, सिंग लाउडली, काफ़ी ऊंचा गाना गा रहा है। अब नाउन होता है क्या, स्पेसिफिकली सीखते हैं, नाउन इज अ वर्ड फॉर ए पर्सन और प्लेस और थिंग और आइडिया। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी विचार के लिए प्रयोग करते हैं। ना जो नाउन है, जो संज्ञा नाउन और ओपन यूज इन आर्टिकल, आर्टिकल के साथ अक्सर नाउन का संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, जैसे बी हो गया, ए और एन, लेकिन हमेशा के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, अक्सर किया जाता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। नाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ए वर्ब एक्सप्रेसिव एक्शन और बीइंग, मतलब जो वर्ब है कार्य को एक्सप्रेस करता है, कार्य को बताता है। एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। और जो क्रिया विशेषण है, सॉरी जो विशेषण है तो संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताता है। और एंड एडवर्ब एंड मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए वर्ब और एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। जैसे मैंने आपको भी बताया, जो विशेषण है, क्रिया विशेषण है वो किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के बारे में बताता है, का वर्णन करता है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म में फ्रेज मॉडिफाई अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। ये एक प्रेपोजिशन होता है, एक संज्ञा सर्वनाम से पहले रखा गया एक शब्द है जो वाक्य में किसी अन्य शब्द को संशोधित या चेंज कर बदलने के लिए एक वाक्यांश बनाता है। एक कंजक्शन जॉइन वर्ड फ्रेसिस और क्लोज। जो कंजक्शन होता है आपका वो शब्दों को वाक्यों को जोड़ता है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। और जो इंटरजेक्शन होता है इसमें आदिबोधक होता है,
वो एक इस तरह का शब्द होता है जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। यू शुड बी एबल टू यूज दीस पार्ट्स ऑफ स्पीच इन मेकिंग सेंटेंस, मतलब इन पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने डिस्कस किए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं आपके, इनका प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। जो डिफरेंट है आपके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड वी यूज इन सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड अलग अलग शब्द है उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। कौन से होते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। आगे थोड़ा सा डिटेल में है, जो नाउन जैसे मैंने आपको बताया, नाउन अ वर्ड दैट रेफर टू पर्सन। नाउन वो शब्द हैं जो एक व्यक्ति से संबंध रखते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दीज आर नेमिंग वर्ड, ये नेमिंग शब्द होते हैं, नाम वाले शब्द होते हैं। इन द सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, इस वाक्य में रीमा ने एक पत्र लिखा, इसमें रीमा और लेटर दोनों नाउन है। डॉग, टेबल, इंडिया, संजय हो गया। प्रोनाउन सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। या सेंटेंस दिया हो, रीमा रोट ए लेटर, शी इज टायर्ड, रीमा ने एक पत्र लिखा और वह थकी हुई है। अब शी का जो प्रयोग नाउन के स्थान पर प्रयोग, नाउन जो रीमा है, रीमा नेम के स्थान पर शी का प्रयोग किया गया, उसमें शी आपका प्रोनाउन हो गया। आई, दे, ही, यू, इस तरह के प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव जो विशेषण होता है आपका, एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स। विशेषण वो शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों का वर्णन करते हैं। आप इस वाक्य में दिया हुआ, जैसे सेंटेंस दिया हुआ आगे, रीमा रोड ए लॉन्ग लेटर, रीमा ने एक लंबा पत्र लिखा। जो लॉन्ग है वो लॉन्ग आपको क्या है, एडजेक्टिव विशेषण है। जो जो लेटर, जो नाउन लेटर में सेंटेंस में प्रयोग किया गया उसको का वर्णन कर रहा है। स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड हो गया। वर्ब जो क्रिया है, वर्ब अ वर्ड दैट शोज एक्शन, जो कार्य को दिखाती है, क्रिया है। जिस सेंटेंस में रीमा रोट ए लेटर, रीमा ने एक पत्र लिखा, जो रोट है इसमें रोट वर्ब है। जो जो रोट वर्ब है, जो लिखने का जो काम है, रीमा जो नाउन है उसने एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म किया उसने पत्र लिखा। रोट तो क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। जैसे रन, ईट, थिंक, सिट, आगे आपके क्रिया होती है। ऐसे एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। एडवर्ब अ वर्ड दैट एड मीनिंग टू वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। जो विशेषण होता है वो भी एक तरह के शब्द होते हैं, लेकिन वो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण में अर्थ जोड़ते हैं और ये क्वेश्चन, मतलब प्रश्न का आंसर देते हैं। तो कैसे, कैसे, अक्सर, कब और कहाँ। अब जैसे सेंटेंस में दिया हुआ, रीमा क्विकली रोट ए लेटर, रीमा ने बहुत जल्दी एक पत्र लिखा। अब जो पिकली हो गया वो एक तरह क्रिया विशेषण हो गया। ये क्या बताता है कि रीमा ने कैसे वो पत्र लिखा, उस एक्शन को बताता है। तो इसमें इजली हो गया, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये आपके क्रिया विशेषण हो गया।